इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। हमारा जो ये प्लान है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर बना है और हमने सारी पैकिंग कर ली और अभी रात के 8:30 बज रहे हैं और हम निकलने को रेडी है। मतलब ये प्लान 7 बजे के करीब बना होगा, है ना। और बस हम लोग अब निकल रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार और हरिद्वार के बाद ये नहीं पता कि उसके बाद हम कहाँ कहाँ जाएंगे, तो चलो आपको लेके चलते हैं हरिद्वार। तो चलिए शुरू करते हैं। इश्क है यार। हमें दिख गए गंगा मैया, बोलो गंगा मैया की जय। ये ट्रिपल वाला होगा। ये हमारा होटल द फॉर्चून गंगा। मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग रिक्शा में और हम लोग जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए। अभी गंगा स्नान करके आए हैं और पानी इतना ज्यादा ठंडा है, क्या पता जाने का। पानी इतना ठंडा और भीड़ बहुत ज्यादा है क्योंकि 4 घंटे यात्रा चल रही है। मैं आपको भीड़ दिखाते थे। इश्क है यार, क्या है होटल। और यही होटल में हम 2 साल पहले रुके थे, है ना। Yes. जब भाभी का प्री वेडिंग शूट था और हम फिर से यहीं पे रुक रहे हैं। मिल रही हो इधर से काफी आना। हम लोग हो गए रेडी और अब हम लोग जा रहे हैं द फेमस ऋषिकेश गंगा आरती देखने के लिए। और हम लोग रिक्शा में हैं और इसके बाद हम लोग जाएंगे राम झूला गंगा आरती के पास। गाइस हमारे साथ मोए मोए हो गया। हम 7 बजे पहुंचे और आरती हो चुकी है। जान के झूला की ओर जाते हुए इस सिमरन हमारे यूट्यूबर आज इसने मुझे मौका दिया है शूटिंग करने का। कोशिश करता हूँ कि शूटिंग अच्छी हो। बहुत क्राउड है यहाँ पे। नीचे देखो गंगा और नदी देखो। शायद इस समय अंधेरा हो रहा है तो आपको गंगा नदी ज़्यादा साफ नज़र नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि हम आपको दर्शन कराएं, दर्शन का लाभ उठाएं। इत्र से हवा का फिराना सा है, इश्क है यार, क्या है। तेरा पानी अमृत जर जर बहता जाए। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है।
बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन तो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। आज हमने बहुत ज्यादा मजे करे, गंगा जी में स्नान किया, उसके बाद ऋषिकेश में भी गंगा आरती हमारी छूट गई क्योंकि आज कुमार विश्वास आ रहा था, इसकी वजह से हम लोग मतलब उन लोग ने आरती बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी और फिर हम लोग यहाँ जानकी झूले पे आए और यहाँ पर हमने खूब इंजॉय किया। और ये देखो आपको दिखाएं कुछ, मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। और ये अब हम लोग वापस अपने होटल जा रहे हैं और जो यहाँ पे लिखा है ना मैं आपको वो दिखाती हूँ जिसके वजह से हमने ये ऑटो बुक किया। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। काफिराना सा है इश्क है यार, क्या है ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है यार। गाइस हम लोग अब जा रहे हैं ट्रैक करके ये, और ये बहुत ही बड़ा पहाड़ है आप देख सकते हो, कम से कम 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, कम से कम 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। और आप पीछे देखो झरना, लेट्स गो। खामोशियों में बोली तुम्हारी कुछ इस तरह गूंजती है कानों से मेरे, होते हुए वो दिल का पता ढूंढती है। बेसुआदियों में जैसे मिल रहा हो कोई जायका। काफिराना इश्क है यार, क्या है ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है यार। भाई मैंने आपके लिए भी एक सुंदर सी एक शायरी पेश करी है, सॉरी पेश करती हूँ फिर साथ तो भूल गई। हाँ, न तमन्ना है सितारों की भाई, न तमन्ना है सितारों की, न चाहत है नजारों की। हाँ ये कर लो पहले। न तमन्ना है सितारों की। One eternity later. न तमन्ना है सितारों की, न चाहत है नजारों की, मुझे आप जैसा भाई मिला फिर मुझे क्या जरूरत है क्या जरूरत है फिर मुझे क्या जरूरत है हजारों की। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, नदी पहाड़ बहुत बढ़िया थे, वातावरण भी बहुत मस्त, वातावरण ध्यान रखिए वातावरण बहुत बढ़िया था, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, जगह भी बहुत अच्छी है। कितनी डुबकियां लगाई, कितनी डुबकियां लगाई? मैं तो कम से कम 5-6 लगाए होंगे, बच्चों ने तो कम से कम 40-50 लगाई है, उससे भी ज्यादा ही लगाई होंगे। मम्मी आपने कितनी डुबकियां लगाई? बहुत अच्छा लगा, 5-6 डुबकियां। एंड भाई भाभी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, मैंने तो इतनी सारी डुबकियां लगाई कि मेरे सारे पाप धुल गए हैं। अब मैं वापस पाप करूंगी, एक साल बाद फिर आऊंगी। वाह दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी, व्हाट इज दिस दीदी दीदी। ओके तो हमें बहुत ज्यादा मजा आया। वैसे पापी हमारे में कोई भी नहीं है, लेकिन दूसरों के
पाप धुल गए थे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो बहुत मजा आया। बाकी हमने होटल और जो भी हम जहाँ पे घूमे वो सब मैंने मेंशन किया है पूरी वीडियो में, तो आप जरूर आओ हरिद्वार और ऋषिकेश, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।